नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे आज से 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड में रहेंगे, जहां पांडे सुबह 9 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद धनबाद में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में शामिल होंगे और वहां से विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के द्वारा आयोजित राम कथा में भी भाग लेंगे। महर्षि वाल्मीकि की जयंती 28 अक्टूबर अर्थात कल मनाई जाएगी। वहीं आज महर्षि वाल्मीकि जयंती पर पंजाब के विभिन्न हिस्सों में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ऐसे में जालंधर प्रशासन द्वारा आज सभी सरकारी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्ष 2009 में कपिल देव सिंह की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी पर लगे गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार को दोषी करार दिया गया, जहां कोर्ट में आज सजा सुनाया जाएगा। दिल्ली एमसीडी के पार्षदों की आज बैठक होगी। इस बैठक में मांस की दुकानों को धार्मिक स्थलों से कितने दूर पर परमिशन दिया जाए और लाइसेंस शुल्क में वृद्धि पर चर्चा होगी। बिहार से ताल्लुक रखने वाले वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने 3.39 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाने का दावा किया। यह टैक्स उन्होंने 8 साल के अंदर भारत सरकार को दिए हैं। उनका कहना है कि यह जानकारी मिलने पर उन्हें काफी तसल्ली हुई कि राष्ट्र निर्माण में उनका कुछ योगदान है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो अभी लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं, हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के सतना जिले की धार्मिक नगरी चित्रकूट आएंगे, जहां पीएम एक सभा को संबोधित करेंगे। वहीं उनके साथ प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां एडिशन आज से दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू होने जा रहा है। इवेंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस इवेंट को दूर संचार विभाग DOT और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है। गृह मामलों पर राज्यसभा की संसदीय स्थायी समिति भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम संबंधी नए विधेयकों के साथ भारत की मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने के संबंध में मसौदा रिपोर्ट पर विचार करने के लिए आज बैठक करेगी। बंगाल में दुर्गा पूजा के समापन के बाद प्रतिमाओं के विसर्जन में आई तेजी के बीच रेड रोड पर दुर्गा पूजा कार्निवल की तैयारियां तेज हो गई है, जहां आज 27 अक्टूबर को महानगर और आसपास की लोकप्रिय चयनित पूजा प्रतिमाओं की झांकी रेड रोड पर निकाली जाएगी। असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर लगाया सनातन धर्म को कमजोर करने का आरोप। पूछा, आखिर अब तक क्यों नहीं राहुल गांधी अयोध्या गए हैं? बुधनी में बोले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, अब मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा, विकास किया है तो आप हमें आशीर्वाद देना। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि जनता के बीच सरकार को लेकर अविश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि झूठ के दम पर ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी कांग्रेस की सरकार। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है, जहां 5 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थित तिलका मांझी आदिवासी निःशुल्क प्राथमिक विद्यालय जमुरिया के शिक्षक दीप नारायण नायक ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 के टॉप 10 में जगह बनाई है, जहां बंगाल के इस शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड में बदल दी है गांव की सड़कें और गलियां। मानहानि मामले में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और सांसद संजय राउत को लगा बड़ा झटका। बता दें कि शिवसेना शिंदे गुट के नेता राहुल ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के लिए जारी किया 19 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। धौलपुर से चुनाव लड़ेगी हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए शोभा रानी कुशवाहा। सहरसा के सोनवर्षा प्रखंड अंतर्गत अतलखा पंचायत से जाप नेत्री सह पूर्व मुखिया प्रत्याशी स्नेहा संगम ने नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा स्वरूप कन्या पूजन कर क्षेत्र के सुख शांति एवं मंगल कामना के लिए माता से आशीर्वाद लिया।
अमेठी की एक लड़की को उसी के घर में जिंदा जलाने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित पिता की माने तो उसी दौरान उसके छत से कूदकर दक्षिण गांव स्थित पूरे लोहांगी निवासी फैजान और गुफरान, कस्बा निवासी प्रिंसपाल और जावेद अहमद तथा कटरा निवासी राम बहादुर यादव और 3 अज्ञात युवक भागते दिखे। वहीं किसी तरह आग बुझाकर इलाज के लिए बेटी को CHC पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मामले की FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस तगड़ा एक्शन मोड में है, जहां पुलिस ने 10 नशा तस्करों की 6.92 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को फ्रीज कर दिया। हरियाणा के यमुनानगर में 800 MW थर्मल प्लांट लगाने को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा, मील का पत्थर साबित होगा यह प्लांट। उत्तराखंड कृषि उद्यान और पशुपालन विभाग में 645 ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए आज आखिरी तारीख है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाकर देखें। झारखंड के चिलखारी कांड के 16 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन 16 साल बीतने के बाद भी गिरिडीह पुलिस इस मामले पर एक भी आरोपित को सजा नहीं दिला पाई। इस अवधि में झारखंड में कितनी सरकारें आई और चली गई, ऐसा तब है जबकि इस कांड में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का पुत्र भी मारा गया था। आज भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है कि चिलखारी में खून बहाने वाले हत्यारे आज भी आजाद और खुली हवा में सांस ले रहे हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ वे भी न्यूज़ को लाइक और कमेंट कर दें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम लोग पूरे दिन न्यूज़ एकत्रित करने में लग जाते हैं। तो ये थी आज की ताज़ातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।